इमेजिन करो कि आप बैडमिंटन की एक गेम खेल रहे हो और स्कोर चल रहा है 1-7। आपके पास आपका एक दोस्त आता है और वो आपसे पूछता है, यार स्कोर क्या चल रहा है? आप उसे शर्मिंदगी के साथ स्कोर बताते हो। आपको फेलियर सा महसूस होता है। वो कहता है, कोई नहीं यार, खेलता रहे, और वहां से वो चला जाता है। जब गेम खत्म होती है तो दोबारा वो आपके पास आता है और आपसे स्कोर पूछता है, और आप कहते हो, मैं सिर्फ 2 पॉइंट से हारा, मेरा स्कोर था 8-10। अब यहां पर आपके इमोशंस में एकदम सडन शिफ्ट देखने को मिला। बेशक आप हारे, लेकिन आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? आप हार के भी अच्छा फील क्यों कर रहे हैं? वेल, यहां आपको अपनी प्रोग्रेस दिखी, और इसलिए आप यहाँ हार कर भी खुद को एज अ फेलियर नहीं मान रहे, क्योंकि आपको पता है कि आप और बेटर कर सकते हो। जबकि नॉर्मली हमने देखा है कि एक आम इंसान ऐसी सिचुएशन में खुद को एक लूजर ही मानता है और फिर कभी ट्राई ही नहीं करता। ये तो हमारी लाइफ का सिर्फ एक इंसिडेंट था। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं जिनसे हम बहुत परेशान और कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। यही गाइडेंस हमें अंकुर वारिकू की इस फेमस बुक गेट एपिक शिट डन से मिलती है। इस बुक में कॉन्वर्सेशन होती है एक टीचर की उसके कंफ्यूज्ड स्टूडेंट से, जिसे नहीं पता कि उसने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले लेसन से, जो कि कहता है कि हाउ डू आई स्टॉप माइसेल्फ फ्रॉम कंपेयरिंग टू अदर्स। स्टूडेंट पूछता है कि हमें सिर्फ तभी क्यों अच्छा लगता है जब हम दूसरों से बेहतर होते हैं। इस पर टीचर बोलते हैं, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये दुनिया दो फॉल्स एजम्पशंस पर चलती है। पहला है जीरो सम गेम, और दूसरा ये कि हम सबकी रेस और उसका एंड रिजल्ट सेम है। देखो, जीरो सम गेम का मतलब ये है कि अगर एक इंसान जीतेगा तो दूसरे को हारना ही पड़ेगा। जैसा कि अगर मेरा स्कोर +1 है तो तुम्हारा स्कोर -1 ही होगा, ताकि इन दोनों का सम 0 हो जाए। इस पर स्टूडेंट बोलता है कि पर यही तो रियलिटी है। इस पर टीचर कहते हैं कि रियलिटी ये है कि हम जितनी बार चाहें हम उतनी बार जीत सकते हैं, वो भी बिना किसी को हराए, अगर हम अपॉर्चुनिटीज में ध्यान देते हैं। तो जैसे कि इस इमेज को देखो, हमें लगता है कि अगर हमारा स्कोर +1 है तो दूसरे का स्कोर -1 होना चाहिए, तभी हम जीतेंगे। लेकिन हम असल में तब जीतते हैं जब हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। और दूसरा पॉइंट फॉल्स इसीलिए है क्योंकि हम सब अलग अलग हैं और हमारी डेस्टिनेशन भी अलग है। इसे तुम ऐसे समझो जैसे कि तुम्हारा जैसा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम्हारी कैपेबिलिटीज अलग हैं, तुम्हारे एक्शन अलग हैं, तुम्हारी चॉइसेस अलग हैं। इसी तरह से सबकी जर्नी अलग होती है और सबके अल्टीमेट रिजल्ट्स भी अलग होते हैं। अगर आप तब भी कंपैरिजन करते हो तो आप खुद से ये सवाल कर सकते हो कि अगर आज मेरे फ्रेंड के पास जॉब है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा जॉबलेस रहूंगा? ऑब्वियसली नहीं। अगर आज मेरा फ्रेंड हैप्पी रिलेशनशिप में है तो इसका मतलब ये है कि क्या मुझे कभी पार्टनर नहीं मिलेगा? और ऑब्वियसली इसका आंसर भी है नहीं। इस पर स्टूडेंट दोबारा से क्वेश्चन पूछता है, स्टिल मगर मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं नहीं जीत रहा हूँ। इस पर फिर टीचर का कहना होता है कि ये सब इमोशंस का खेल है, और अगर तुम्हें बुरा फील हो रहा है तो खुद से सवाल करो कि अगर मेरे दोस्त के पास अच्छी जॉब है तो मैं एक अच्छी जॉब पाने के लिए क्या एक्शन ले सकता हूँ, इससे तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। अब स्टूडेंट सहमत होकर कहता है कि दूसरों के बारे में सोचकर परेशान होने से बेटर है कि हम खुद पर ध्यान दें और मेहनत करें। ठीक है, अब ये तो हो गई कंपेयर करने की बात, पर मुझे एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पूछनी है कि मैं ठीक से फोकस क्यों नहीं कर पाता और बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इस पर टीचर जवाब देते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं हमें उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ और मिल जाता है, और इसीलिए हम अपना फोकस खो बैठते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है और तुम्हें इसे भागना नहीं चाहिए, तो इस पर स्टूडेंट शॉक्ड हो जाता है। लेकिन ये तो गलत है ना? टीचर इसके रिप्लाई में कहते हैं, टाइम वेस्ट करना और इधर उधर की बातें सोचना तुम्हारे स्केड्यूल का ही पार्ट है। जैसे कि वेट लॉस करने में चीट डे सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को पता होता है कि मेहनत करने के बाद हमें रिवॉर्ड मिलेगा, और इसलिए वेट लॉस करना आसान हो जाता है। स्टूडेंट, क्या इसका मतलब ये है कि हमें खुद को रिवॉर्ड देना चाहिए? टीचर, एग्जैक्टली। लेकिन तुम्हें टाइम वेस्ट करने का रिवॉर्ड अर्न करना पड़ेगा, वो भी सारे दिन मेहनत करके, नहीं तो तुम अपने माइंड को गलत तरीके से ट्रेन कर दोगे। इस पर स्टूडेंट का अगला सवाल आता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब मैंने इतनी मेहनत कर ली है कि मुझे ये रिवॉर्ड मिल सकता है? टीचर, इसे आसान करने के लिए तुम पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हो। इस साइंटिफिक टेक्निक के अकॉर्डिंग हमें टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 25 मिनट काम और फिर 5 मिनट का ब्रेक। यही साइकिल 3-4 बार हमें रिपीट करनी है और फिर एक हम लंबा ब्रेक अर्न कर सकते हैं, और वो ब्रेक होगा 30 मिनट्स का। स्टूडेंट को ये बात समझ आ जाती है और वो कहता है, जब मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ तब मुझे लूजर जैसा फील होता है। इस स्टेटमेंट पर टीचर कहते हैं कि जब भी तुम टाइम वेस्ट करते हो और खुद को कोसने लगते हो, इससे और ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तुम्हें पता है कि सक्सेसफुल लोग और खुद को कोसने वाले लोगों के बीच में बस यही फर्क होता है कि सक्सेसफुल लोग चीजों को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, बजाय कोसने वाले लोगों के जो खुद को हमेशा कोसते रहते हैं। इस पर स्टूडेंट कहता है, मैं पूरी लाइफ खुद को यूं ही कोसता रहा और इसे मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अब मैं वो करूंगा जो सक्सेसफुल लोग करते हैं और मैं एक्शन लूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हाउ डू आई मैनेज माय टाइम? मैं टाइम मैनेजमेंट पर बहुत सारी बुक्स पढ़ चुका हूं और बहुत से कोर्सेज भी बाय कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा अपना टाइम बर्बाद ही करता रहता हूं। फिर मुझे बहुत ही डीमोटिवेटेड फील होता है, मैं चाहकर भी टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाता। इस पर टीचर कहते हैं कि तुम टाइम को तभी अच्छे से मैनेज कर सकते हो जब तुम्हें टाइम के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप पता हो। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें याद है कि तुमने लास्ट वीक क्या किया था? इस पर स्टूडेंट कहता है, मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी लेकिन मैं उसे फॉलो नहीं कर पाया, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि मैंने सारा टाइम लास्ट वीक कहाँ स्पेंड किया। फिर टीचर कहते हैं कि तुमने ज्यादातर टाइम वेस्ट किया होगा और इम्पोर्टेंट चीजों पर बहुत कम टाइम दिया होगा, इसलिए तुम्हें सबसे पहले टाइम को ट्रैक करना सीखना चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक
तुमने क्या क्या किया और कब किया, इस सब को रिकॉर्ड करो और इसे कम से कम 10 दिनों तक करते रहो। जब तुम टाइम को रिकॉर्ड करने लग जाओ तो तुम खुद से दो सवाल पूछो, तुमने जो भी किया वो क्यों किया और आज दिन भर में ये सारे काम करके तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जब तुम खुद से ये सवाल करोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें क्या चीजें बदलने की जरूरत है। देखो, हम टास्क को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, दूसरा इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, तीसरा अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट और चौथा अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से कि कल आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है तो ये टास्क आएगा ग्रीन वाले पार्ट में, यानी अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। फिर आपको एक और टास्क मिला है रिसर्च पेपर तैयार करने के लिए, ये आपको अगले हफ्ते सबमिट करना है, और अगर ये आपको अगले हफ्ते सबमिट करना है तो ये आएगा ब्लू वाले पार्ट में, यानी नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। उसके बाद तीसरा टास्क है कि आपको बाल कटवाने हैं क्योंकि कल आपके घर में फंक्शन है, तो ये टास्क आएगा रेड में, यानी अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद अगर आपको सोशल मीडिया यूज करना है तो ये आएगा नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट वाले क्वाड्रेंट में। अब प्रोडक्टिव रहने का सिर्फ एक ही मंत्र है कि जितना ज्यादा हो सके उतने 25 मिनट के पोमोडोरो सेशंस अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट वाले टास्क को दो और सबसे कम टाइम दो नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट वाले को। इस पर स्टूडेंट कहता है कि ओके, मैं अब टाइम मैनेजमेंट तो सीख गया लेकिन मुझे ये बताइए मैं ग्रोथ माइंडसेट कैसे बिल्ड करूं। इस पर टीचर जवाब देते हैं, ग्रोथ माइंडसेट क्रिएट करने के लिए 3 मेथड्स हैं। पहला ये है कि तुम दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है और उनका थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करो। ऐसा करने से तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा और हाँ, ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर वो तुमसे अलग है तो तुम्हें उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम सही हो तो सामने वाला भी गलत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इंजीनियर हो तो तुम पूरी दुनिया को 0 या 1, ब्लैक और व्हाइट की नजरों से देखोगे, लेकिन अगर तुम ऐसे इंसान से मिलते हो जिसने लिटरेचर पढ़ी है, फिलोसफी पढ़ी, तो तुम्हें उसका परसेप्शन भी जानने को मिलेगा। स्टूडेंट इस पर खुश हो जाता है और वो पूछता है कि सेकंड मेथड क्या है। टीचर कहते हैं कि दूसरा तरीका ये समझने का है कि रिस्क हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। रिस्क को अवॉइड करने से स्टेबिलिटी आती है, लेकिन ये ग्रोथ माइंडसेट की निशानी नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट के लिए रिस्क एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, जैसे कि एक स्टॉक मार्केटर भी बहुत रिस्क लेता है। उसे पता होता है कि कभी भी मार्केट ऊपर या नीचे जा सकती है, लेकिन वो ये सोचकर चलता है कि अगले 5 सालों में तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगी। यही चीज हमारी लाइफ में आती है, जैसे कि कॉलेज या फिर जॉब चेंज करते वक्त रिस्क को टाला नहीं जा सकता, बल्कि तुम सिर्फ रिस्क को समझ सकते हो। इस पर स्टूडेंट कहता है यानी कि सक्सेसफुल लोग कंफर्ट जोन से निकलकर कैलकुलेटेड रिस्क लेने में बिलीव करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इस पर टीचर सर हिलाते हुए कहते हैं कि हाँ, और तीसरा तरीका ग्रोथ माइंडसेट बनाने का है कि हकदार वाले बिहेवियर को बाहर निकालो। स्टूडेंट इस पर आर्गुमेंट करता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब मैंने बहुत मेहनत करी है तो उसके रिजल्ट के लिए मैं अपने को हकदार क्यों ना मानूं। इस पर टीचर कहते हैं कि यहीं पर लोग ज्यादा मिस्टेक कर बैठते हैं, उन्हें लगता है कि सब उनकी वजह से हो रहा है, असल में वो बस लकी होते हैं जो उनको अच्छी फैमिली, अच्छी एजुकेशन, अच्छी जॉब मिलती है, वरना उनके बारे में सोचो जो हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर भी वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए हमें हमारे काम पर हक दिखाने के बजाय ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। स्टूडेंट अपने टीचर की बात से अग्री हो जाता है और वो कहता है हाँ, मैं ग्रोथ माइंडसेट के लिए 3 फॉर्मूले जरूर याद रखूंगा, लेकिन मुझे एक और चीज जाननी है, मैं अपना पैशन आखिर कैसे फाइंड कर सकता हूँ। टीचर कहते हैं कि पैशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम्हें कहीं भी मिल जाएगी, ये तो तुम तब ढूंढ पाते हो जब तुम अपनी मर्जी की चीजें करते रहते हो और फिर अचानक एक दिन तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारा पैशन क्या है। इस पर स्टूडेंट कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं, तो टीचर जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें ये बात इकिगाय बुक की मदद से समझाता हूँ। इकिगाय का मतलब होता है जिंदगी जीने का पर्पस। इकिगाय हमें पैशन फाइंड करने के 4 रूल समझाता है। सबसे पहली बात यह है कि खुद से पूछो कि तुम्हें क्या करना पसंद है, और इतना ही नहीं, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने सारे फ्रेंड्स से पूछो कि तुम बचपन में किस चीज में अच्छे थे और तुम्हें क्या करने में मजा आता था। मगर ये बात भी जरूरी नहीं है कि हमें जो काम करना पसंद है उस काम में हम अच्छे भी हों। जैसे कि मुझे गाना गाना पसंद है लेकिन मैं दूसरों की भलाई के लिए चुप ही रहता हूँ। यहाँ से आता है हमारा दूसरा सवाल, ये पता करो कि तुम किस काम में अच्छे भी हो और फिर से अपने फैमिली और अपने फ्रेंड से पूछो और इन दोनों रूल्स की लिस्ट बनाओ। और फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, यानी ऐसे कौन से काम है जिससे दुनिया का भी भला हो रहा हो। देखो, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक आर्टिस्ट अपने म्यूजिक या अपने आर्ट से पूरी दुनिया को एंटरटेन कर रहा है और उन्हें अच्छा फील भी करवा रहा है और इसीलिए दुनिया को इस चीज की जरूरत है। जरा इमेजिन करो ये कितना अच्छा है, तुम्हें ये काम करना पसंद भी है, तुम इस काम में अच्छे भी हो और तुम दुनिया को खुश भी कर पा रहे हो। अब इसके साथ ही आता है सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट, और वो है मनी। अब जरा सोचो, अगर तुमने बाकी 3 पॉइंट कवर भी कर लिए लेकिन इससे तुम सर्वाइव कर ही नहीं सकते। जब एक बार तुम्हें बाकी दोनों पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, अब ये लास्ट पॉइंट कवर करने में तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं लगे, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है ऊपर के 3 पॉइंट्स कवर करना। और एक बार जब ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए तो तुम्हें अपना पैशन मिल जाएगा। स्टूडेंट कहता है कि मुझे सब समझ आ गया, अब मुझे अपना इकिगाई ढूंढना है इन 4 पॉइंट्स को समझकर। वैसे इकिगाई बुक में और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे अगर आप डिटेल में हिंदी में पढ़ना या सुनना चाहते
चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 1200 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं और 180 से ज्यादा बुक समरीज फ्री हैं। आप इसे एक बार डाउनलोड कीजिए एंड आई एम श्योर गीगल आपका लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहेगा और आपको गाइड करता रहेगा। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट दोबारा से अपने टीचर से एक सवाल पूछता है कि मुझे एक बात बता दो, मैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स कैसे बिल्ड कर सकता हूं। इस पर टीचर कहते हैं कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना एक बिल्डिंग बनाने जैसा है। जैसे बिल्डिंग बनाने में फाउंडेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने से पहले एक स्टेबल जॉब होना बहुत जरूरी है। जब तुम स्टेबिलिटी के साथ काम करते हो तो तुम्हारे लिए इजी हो जाता है एक न्यू इनकम स्ट्रीम ढूंढना। बस एक बार तुम्हारी ये फाउंडेशन इनकम स्ट्रीम बन जाए तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालो अपनी बाकी इनकम सोर्सेज को देने के लिए, और तुम ये चीज अपने काम को डेलीगेट करके अचीव कर सकते हो, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम को ऑटोमेट करके। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से जब तुम टाइम बचाओगे तभी तुम्हें दूसरी इनकम सोर्सेज पर ध्यान देने का मौका मिलेगा। इस पर स्टूडेंट पूछता है कि बट मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से इनकम स्ट्रीम चूज करूं। तो टीचर कहते हैं कि इनकम स्ट्रीम चूज करने में तुम कौन हो इसी चीज का रिफ्लेक्शन होता है। ये किसी के लिए कंसल्टिंग हो सकता है, किसी के लिए टीचिंग और किसी के लिए थेरेपी भी हो सकता है। स्टूडेंट फिर से सवाल पूछता है कि अगर मैं अपनी जॉब में खुश हूं तो फिर भी क्या मुझे नई इनकम स्ट्रीम ढूंढनी चाहिए। इस पर टीचर कहते हैं कि अगर तुम्हारी जॉब तुम्हें अच्छा पे करती है तुम फिर भी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि एक ही तो जिंदगी है, क्यों ना मल्टीपल आइडेंटिटी के साथ जिया जाए और हमें दूसरे करियर्स को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर स्टूडेंट कंफ्यूजन में दोबारा से पूछता है क्या मैं सच में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बना सकता हूं। इस पर टीचर कहते हैं कि देखो ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम टाइम निकाल पा रहे हो या नहीं, क्या तुम काम के लिए मेहनत कर पा रहे हो या नहीं, क्या तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ पा रहे हो या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ट्राई करना बंद कर दो। चमत्कार तभी होगा जब तुम मेहनत करोगे। एक अच्छे फल के लिए भी पहले बीज लगाया जाता है जो बाद में पेड़ बनता है और फिर एक दिन उसके ऊपर फल लगने लग जाते हैं। इस पर स्टूडेंट कहता है कि मैं समझ गया, सबसे पहले एक स्टेबल इनकम सोर्स बनाओ, फिर उसके बाद अपने हिसाब से मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने में जुट जाओ। दोस्तों इस वीडियो में हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करें, अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।